हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर 2000 रुपये के अंदर। आपको इस बजट में काफ़ी सारे अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, जिनमें आपको पोर्टेबल डिज़ाइन से लेके लाउड साउंड और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल सकता है। तो अगर आपको जानना है कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले जो ब्लूटूथ स्पीकर हमारे लिस्ट में है वो जेब्रॉन की तरफ से है। उसका नाम है जेब्रॉनिक म्यूजिक बोम एक्स प्रो। आपको इसमें मिलता है 5.7 सेमी का डुअल ड्राइवर, जो कि आपको 20 वाट का साउंड आउटपुट देता है। उसके साथ 8GB LED लाइटिंग, FM रेडियो, ब्लूटूथ 5.1 और सपोर्ट करता है TWS फंक्शन से लेके ऑक्स केबल, माइक्रो HD कार्ड और USB पेन ड्राइव को। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 22 घंटे का प्लेबैक टाइम USB टाइप सी चार्जिंग के लिए, और इसको फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लग सकता है। जेब्रॉनिक के इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको लाउड साउंड मिलता है, उसके साथ 8GB लाइटिंग और अच्छा बैटरी लाइफ, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बल्की है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो जेब्रॉनिक का ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा 1800 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अगर आप जेब्रॉनिक का ये ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में चेक करना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, तो उन सब का बेस्ट बाई लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन जो चेक कीजिए। अब इसके बाद जो ब्लूटूथ स्पीकर हमारे लिस्ट में है वो बोट की तरफ से है। उसका नाम है बोट स्टोन 650। आपको इसमें मिलता है 10 वाट का साउंड आउटपुट, उसके साथ रोबस्ट डिज़ाइन, IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट, ब्लूटूथ 5.0 और सपोर्ट करता है ऑक्स पोर्ट और USB स्लॉट को। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 7 घंटे का प्लेबैक टाइम, और इसको फुल चार्ज करने में आपको 3.5 आवर्स का टाइम लग सकता है। बोट के इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, उसके साथ पोर्टेबल डिज़ाइन, लेकिन आपको इसमें शॉर्ट बैटरी लाइफ मिलता है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो बोट का ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा 2000 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो ब्लूटूथ स्पीकर हमारे लिस्ट में है वो नॉइस की तरफ से है। उसका नाम है नॉइस वाइप 2। आपको इसमें मिलता है 52mm का ड्राइवर, जो कि आपको 5 वाट का साउंड देता है। उसके साथ बिल्ट इन माइक, IPX7 का वाटर रेजिस्टेंट, वॉइस रेजिस्टेंट, ब्लूटूथ 5.3 जो कि सपोर्ट करता है TWS पेयरिंग को, उसके साथ TF कार्ड। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 15 घंटे का प्लेबैक टाइम, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसको फुल चार्ज करने में आपको 90 मिनट का समय लग सकता है। नॉइस के इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको लाइट वेट और पोर्टेबल डिज़ाइन मिलता है। आप इसको इजीली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। उसके साथ IPX7 का वाटर रेजिस्टेंट और इसका बैटरी लाइफ भी अच्छा है, लेकिन आपको इसमें बस 5 वाट का आउटपुट मिलता है, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर उतना लाउड नहीं है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो नॉइस का ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा 1500 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो ब्लूटूथ स्पीकर हमारे लिस्ट में है वो MI की तरफ से है। उसका नाम है MI पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। आपको इसमें मिलता है 16 वाट का आउटपुट, उसके साथ बिल्ट इन माइक, TWS मोड, IPX7 का वाटर प्रूफ, 3.5mm का जैक और ब्लूटूथ 5.0। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 13 घंटे का प्लेबैक टाइम और टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। MI का ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी लाउड है, उसके साथ आपको इसमें डिसेंट बैटरी लाइफ मिलता है और IPX7 का वाटर प्रूफ, लेकिन आपको इसमें कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके साथ चार्जिंग टाइम भी थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं जिसको आप आउटडोर भी यूज़ कर सके, तो आप ले सकते हैं MI का ये ब्लूटूथ स्पीकर। अब प्राइस के बारे में बात करें तो MI का ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा 2000 रुपये के अंदर, और ये आता है 6 महीने के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में जो ब्लूटूथ स्पीकर हमारे लिस्ट में है वो पोट्रॉनिक की तरफ से है। उसका नाम है पोट्रॉनिक साउंड ड्रम P। आपको इसमें मिलता है 20 वाट का ऑडियो, उसके साथ स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन, इनबिल्ट माइक, ब्लूटूथ 5.0 और ये सपोर्ट करता है ऑक्स पोर्ट और USB स्लॉट को। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 6 से 7 घंटे का प्लेबैक टाइम टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और इसको फुल चार्ज करने में आपको 45 मिनट का समय लग सकता है। पोट्रॉनिक के इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलता है, और ये काफ़ी लाउड भी है, लेकिन इसका बैटरी लाइफ थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको शॉर्ट बैटरी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक लाउड ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकें, तो आपको लेना चाहिए पोट्रॉनिक का ब्लूटूथ स्पीकर। अब प्राइस के बारे में बात करें तो पोट्रॉनिक का ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाएगा 1900 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। तो
तो यही था लिस्ट का 5 सबसे अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर 2000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे ब्लूटूथ स्पीकर का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप 3000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर ख़रीदना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पर जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल हाईटेक ब्लो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इन ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में कुछ भी और जानना है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।